हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन की कॉलर स्क्रीन्स को कैसे चेंज कर सकते हो, प्लस कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरा आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले गाइज आप लोगों को करना क्या होगा, जरूरत पड़ेगी एक फाइल की जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। डायरेक्टली आप इस फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके ओपन जैसे ही आप लोग करोगे, मेरे हाथ में जो फोन है वो रेडमी का फोन है और रेडमी नोट 10 है, और इसमें आप लोगों को सेट करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कुछ परमिशंस देनी रहेंगी। सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा, अलाउ पे क्लिक कीजिएगा एंड सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को इसमें परमिशंस दे देनी है, ठीक है, परमिशंस देनी है। परमिशन देने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा, अलाउ कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, अलाउ कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, अलाउ कीजिएगा एंड इसके बाद ऑटोमेटिकली आप बैक हो जाइएगा। जैसे ही आप बैक हो जाओगे यहाँ का जो ये तीनों निशान है वो राइट पे पहुँच जाएंगे, और जब राइट पे पहुँच जाएंगे तब आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ ऐड वगैरह आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं तो उनको आप इग्नोर मारिएगा, फालतू के ऐड होंगे, ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। हमारा ऐड कंप्लीट हो गया, इस पर कट के निशान जैसे ही आता है क्लिक कर दीजिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू क्लिक होने के बाद में यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शंस मिलेगा, एक सेटिंग्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, थीम्स का ऑप्शंस मिल जाएगा, थीम्स वाले पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, थीम्स वाले पे क्लिक कर देना, ओके। जैसे आप थीम्स वाले पे क्लिक करोगे फिर से ऐड आएगा, तो हम ऐड को स्किप करते हैं। तो सिंपल सा गाइस इस पर आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है, ओके। आप थीम्स पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप थीम्स पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी कॉल स्टाइल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, आपको जो बेस्ट लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐड को आप स्किप मारिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी हैं और मैंने आप लोगों को बताई दी हैं, तो मैं आईफोन वाली यूज़ करूँगा, ठीक है। आईफोन वाली यूज़ करने के बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ। मैंने सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फ्लैश को आप लोग ऑन कर सकते हो। फ्लैश ऑन करने के बाद में यहाँ पे फेसिंग इशू ट्रेडिंग, तो आप लोगों को और कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स में आप लोगों अगर जाते हैं तो यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ नहीं मिलेंगे, मैसेज वगैरह आप लोगों से सेंड कर सकते हो। चेंज सिम कार्ड के जो परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ से सेटअप कर सकते हो, ब्लॉक लिस्ट वगैरह सेट कर सकते हो, बट हमें कुछ और नहीं चेंज करना, ठीक है। सारा काम हमारा हो चुका है, थोड़ा सा हम बैग ले लेते हैं, और बैग लेने के बाद में यहाँ पे देखो एक वीडियो का ऑप्शन है। वीडियो कॉल के लिए आप लोगों को यहाँ पे वीडियो वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वीडियो वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ वीडियो के थीम्स वॉलपेपर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आपको जो बेस्ट लगे मेरे भाई वो वाला यहाँ से सिलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे एक से एक प्यारे लग रहे हैं वॉलपेपर्स जो भी हैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। मैं इस वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ रिंगटोन मिल जाएगी, ठीक है, आप इसे सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो सॉन्ग्स भी मिलेंगे, ठीक है। इसको सेटिंग्स थीम्स पर क्लिक कीजिएगा, सेटिंग्स थीम्स पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ऑल कॉन्टेक्ट पर सिलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी आ जाए, एंड इसके बाद में आप लोगों के पास जैसी कॉल आएगी वैसे ही आपके फ़ोन में यहाँ पर जो चेंजर मिलेंगे और सेटअप होंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको चेक करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा और मैं थोड़ा सा फिर म्यूजिक भी ऑन कर दूंगा, ठीक है, ओके। फाइनली सेटअप हो चुका है और उसके बाद में हमारा काम होगा। और देखो ये मैंने दूसरे फ़ोन से कॉल की है, देखो दूसरे फ़ोन से कॉल की है और कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। मैं अगेन से करता हूँ एक बार डिसमिस करके कॉल को, और देखो मैंने फ़ोन को किया मतलब कि लॉक किया, और उसके बाद हम अगेन से कॉल स्क्रीन करते हैं, कॉल करते हैं और देखते हैं कि कॉल पे जो चेंज होता है या नहीं। तो फाइनली वेट करते हैं, देखो गाइस यहाँ पे फाइनली आ चुका है, चेंज हो चुका है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया और बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो इसको कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।